नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉप क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि ड्राफ्टमैन फिटर ट्रेनर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का इंटरनल कम्बस्शन इंजन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोल इंजन इज ए, यानी पेट्रोल इंजन कौन सा इंजन होता है? ऑप्शन ए कंप्रेशन इग्निशन इंजन, या ऑप्शन बी स्पार्क इग्निशन इंजन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी होता है और स्पार्क इग्निशन इंजन भी होता है, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी स्पार्क इग्निशन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है व्हाट एंटर्स इन द सिलेंडर ऑफ ए पेट्रोल इंजन इज, यानी कि जब सिलेंडर के अंदर क्या एंटर करता है पेट्रोल इंजन के अंदर। ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी एयर, या ऑप्शन सी मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर, क्योंकि खाली पेट्रोल ही एंटर नहीं करता, उसके साथ एयर भी एंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ डीजल इंजन enters the cylinder during intake stroke, intake stroke का मतलब होता है जैसे inlet stroke यानी inlet port से जो जाता है, तो इसमें option है option A diesel, option B air, option C mixture of diesel and air, या option D any of the above, यानी या तो diesel करता है या air, या mixture होता है air और diesel दोनों का, या इनमें से कोई भी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो इनटेक स्ट्रोक होता है उसमें क्या एंटर करता है एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिस्टन आर मेड ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि कौन सा पार्ट इंजन का कौन से मटेरियल से बना होता है। तो इसमें है पिस्टन्स आर मेड ऑफ, यानी पिस्टन कौन से मटेरियल से बनी होती है। ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी कास्ट स्टील, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वो कास्ट आयरन की भी बनी होती है, कास्ट स्टील की भी बनी होती है, एल्यूमिनियम अलॉय की भी बनी होती है, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्यूल इज, यानी जो एनर्जी स्टोर होती है फ्यूल से तो उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए क्या वो मैकेनिकल एनर्जी होती है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन सी केमिकल एनर्जी, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है जो हमारी एनर्जी स्टोर होती है फ्यूल से तो वो है ऑप्शन सी केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फोर स्ट्रोक इंजन देयर इज वन पावर स्ट्रोक फॉर एवरी रिवॉल्यूशंस ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। देखिए अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें है कि जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है उसमें एक पावर स्ट्रोक कब उत्पन्न होता है, एवरी रिवॉल्यूशंस ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, यानी क्रैंकशाफ्ट के कितने रिवॉल्यूशन होते हैं फोर स्ट्रोक इंजन में। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी थ्री, या ऑप्शन डी फोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टू, यानी जब क्रैंकशाफ्ट के दो चक्कर लगते हैं फोर स्ट्रोक इंजन में तो एक पावर स्ट्रोक तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए टू स्ट्रोक इंजन देयर इज वन पावर स्ट्रोक फॉर एवरी रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, यानी सेम वही है, उसमें क्या था वो फोर स्ट्रोक इंजन था और इसमें टू स्ट्रोक इंजन है। अब इसमें भी एक क्वेश्चन है कि इसमें जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है उसके कितने रिवॉल्यूशन होते हैं कि जब हमारा एक पावर स्ट्रोक तैयार होता है। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी थ्री, या ऑप्शन डी फोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाल्व
विच इज ओपन ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक इज, यानी जब हमारा वाल्व ओपन होता है तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक से क्या होता है, या वो क्या होता है, इसमें ये भी बोल सकते हैं द वाल्व विच इज ओपन ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक इज, यानी जो वाल्व ओपन होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक में तो उसे हम कौन सा वाल्व बोलते हैं। ऑप्शन ए इनलेट वाल्व, ऑप्शन बी स्ट्रोक वाल्व, ऑप्शन सी बोथ इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि जब इनलेट वाल्व खुलता है तो यानी एंटर करता है उसमें सक्शन स्ट्रोक होता है, और जो एग्जॉस्ट वाल्व एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जब जो वाल्व खुलता है उसे हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द पिस्टन स्ट्रोक क्रैंकशाफ्ट रोटेट्स थ्रू, यानी हमारा जो ड्यूरिंग वन पिस्टन स्ट्रोक, यानी एक पिस्टन स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट कितने डिग्री रोटेट होती है। ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 270, या ऑप्शन डी 360। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी वो क्या होती है, क्रैंकशाफ्ट जो रोटेट होती है वो 180 डिग्री रोटेट होती है एक पिस्टन स्ट्रोक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंजन कंपोनेंट विच रिड्यूसेस द नॉइज ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस इज, यानी जैसे जो ऐसा कौन सा इंजन का कंपोनेंट है जो रिड्यूस करता है, रिड्यूस का मतलब कम करता है, द नॉइज ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, यानी नॉइज का मतलब आवाज़, एग्जॉस्ट गैसेस मतलब जैसे धुआं निकलते समय या एग्जॉस्ट स्ट्रोक जब वर्किंग में रहता है, तो कौन सा कंपोनेंट है कि जो आवाज़ को कम करता है, नॉइज रिड्यूस इज द नॉइज, यानी उसकी आवाज़ को कम करता है। तो इसका ऑप्शन है टेल पाइप, ऑप्शन बी इनलेट मैनिफोल्ड, ऑप्शन सी मफलर, या ऑप्शन डी एग्जॉस्ट पाइप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसे क्या बोलते हैं, मफलर बोलते हैं। कई बार आप लोगों ने बाइक में मोस्टली कम रहता वैसे, लेकिन कार्स में देखा होगा, होता दोनों में है, तो उसमें मफलर होता है, वो एक साइलेंसर के आगे छोटा सा एक मतलब पाइप निकला होता है, फिर आगे एक मतलब कंपोनेंट सा होता है, उसमें क्या होता है कि वो मतलब आवाज़ को नॉइज़ बहुत कम करता है, ये दोनों साइलेंसर में होता है।